नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए आज की पांच बड़ी खबरें। आईसीसी ने चुनी दशक की बेस्ट टीमें, धोनी और कोहली बने बेस्ट कप्तान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने पिछले 10 वर्षों में क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर डिकेट अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। आईसीसी की इस दशक की बेस्ट वनडे, टेस्ट और T20 तीनों ही टीमों में विराट कोहली को जगह मिली है। इसके अलावा भारत के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दशक की बेस्ट वनडे और T20 टीमों का कप्तान चुना गया है। T20 टीम में धोनी के अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को जगह दी गई है। कल से बिना ड्राइवर दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन और पिंक लाइन पर चलाई जाएगी। पहले चरण में ड्राइवरलेस ट्रेन कुल 37 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारत आएगी टेस्ला। अमेरिका की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला अपनी कारों की भारत में जून 2021 से डिलीवरी शुरू कर सकती है। इसके लिए कंपनी अगले महीने यानी जनवरी से बुकिंग शुरू करेगी। कंपनी अपनी एंट्री लेवल सेडान मॉडल 3 के जरिए भारत में कदम रखेगी, जिसकी कीमत 55 से 60 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले 5वें भारतीय कप्तान बने रहाणे। मेलबर्न में खेला जा रहा डे टेस्ट में दूसरे दिन खत्म होने तक भारतीय टीम ने 5 विकेट गंवाकर 277 रन बना लिए हैं। इसी के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 82 रन की बढ़त बना ली है। दूसरे दिन भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने टेस्ट करियर की 12वीं सेंचुरी लगाई। ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर ये उनका दूसरा शतक रहा। बारिश की वजह से अंपायर्स ने दूसरे दिन का खेल समय से पहले खत्म करने की घोषणा की। रहाणे 104 रन और रविंद्र जडेजा 40 रन बनाकर नाबाद रहे। शारदा घोटाले में ममता की मुश्किलें बढ़ी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बंगाल में मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसे से घोटाले में फंसी तारा टीवी की कर्मचारियों को सैलरी दी गई है। इस फंड से 23 महीने तक कर्मचारियों को सैलरी का पैसा दिया गया है। सरकारी फंड से प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी देने का ये पहला मामला है। इस मामले में और जांच भी जारी है।